जय श्री राम सभी को। कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो भाई पहली चीज, टीवीएस इज नॉट ए बिगनर। भाई इंडिया में टीवीएस ने इतनी प्रोग्रेस तो कर ली है कि भाई आपको हर मंथ एक नया स्कूटर नई डिजाइनिंग के साथ, नए सेगमेंट के साथ, नए फीचर्स एंड नए कलर्स के साथ आपको हर मंथ में एक नया स्कूटर आपको डिलीवर कर सकती है अपने कस्टमर्स को। बिकॉज मैं ये नॉर्मली बेसिस पे नहीं बोल रहा भाई, मैं टीवीएस की जो प्रोग्रेस है उसको देखते हुए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई टीवीएस ऑलवेज ऑन टॉप, सबसे बढ़िया, सबसे दमदार, मेरा पर्सनल फेवरेट भी जो रहा है वो भी टीवीएस ही रहा है भाई। क्योंकि टीवीएस के स्कूटर्स, जो दो स्कूटर आपके सामने हैं, पहला एक जुपिटर 125 और दूसरा एंटोर्क 125, दोनों जो एडिशन है, जो दोनों स्कूटर है 125 सेगमेंट में आपके सामने खड़े हैं। सेम जुपिटर 125 आपको, जो सेम और एंटोर्क 125, एंटोर्क 125 एक सेगमेंट में दोनों स्कूटर आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों की प्राइसिंग भी काफ़ी इफेक्टिव प्राइस, जो प्राइसिंग होने वाली है तो आपको देखने को मिलती है। बट जो दोनों की डिजाइनिंग है, दोनों के फ्रंट में DRLs है, दोनों की लुकिंग है, जो पेट्रोल माइलेज का ऑप्शन है वो काफ़ी आपको मतलब डिफरेंट देखने को मिलता है। जो अलॉय व्हील का शेप है वो भी आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है दोनों में, और जो बाकी की जो डिटेल्स है वो भी आपको सारी डिटेल्स डिफरेंट देखने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं दोनों स्कूटर का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो के लिए। तो भाई फ्रंट से बात कर लेते हैं हम। तो भाई शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं दोनों के फ्रंट से। भाई फ्रंट में आपको पहले जो DRL शेप होती है वो देख लो भाई, TVS Ntorq में आपको T सीरीज की जो DRL शेप है वो देखने को मिल जाती है, और Jupiter 125 में आपको कुछ इस प्रकार के DRLs देखने को मिलती है, आप चेकआउट कर सकते हो आपके सामने। हेडलाइट आपको LED में देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन बल्ब में देखने को मिल जाते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बॉडी शेप की, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, आपको दोनों में काफी अलग और काफी मतलब जो डिजाइनिंग बॉडी शेप है वो दोनों में आपको काफी डिफरेंट देखने को मिलती है। जो TVS का जो ब्रांडिंग है आपको यहाँ पे 3D क्रोम में आपको TVS की ब्रांडिंग जुपिटर 125 पे देखने को मिल जाती है, और सेम आपको जो TVS का एंटोर्क 125 है उस पे TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। दोनों स्कूटर्स में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको जो विंडशील्ड होती है आपको दोनों में वो चेकआउट करने को मिल जाती है। नीचे आपको नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाता है, और TVS एंटोर्क में आपको एंटोर्क की जो स्टिकर की जो ब्रांडिंग होती है वो यहाँ पे फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है। जुपिटर की आपको पीछे देखने को मिलती है, जो कि 3D क्रोम में होने वाली है। यहीं पे बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, जो कि आपको दोनों में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि डिस्क एंड ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हो। सामने आपको दोनों में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं इसके सीट की, जो कि आपको सीट है, एक बार दोनों की जो सीट होने वाली है आपको दोनों की सेम सीट साइज आपको देखने को मिलती है, सेम आपको सीट कंफर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। बट जो TVS जुपिटर है उसकी जो सीट है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पे बड़ी देखने को मिल जाती है, और TVS एंटोर्क की सीट जो साइज है वो थोड़ी आपको छोटी देखने को मिलती है। आई थिंक मेरे हिसाब से TVS एंटोर्क की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जुपिटर की जो इसका 3D क्रोम में होने वाली है, जो कि आपको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, काफी शाइनिंग करी है, काफी अच्छी लग रही है भाई। तो ये एक छोटा सा कंपेरिजन, और आगे बात करते हैं जो इसकी सीट जो हाइट होने वाली है उसकी, जो कि आपको 795 mm के आसपास इसकी सीट हाइट देखने को मिल जाती है दोनों स्कूटर्स की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, जो कि आपको करीबन 170 से 180 के mm के आसपास देखने को मिल जाता है दोनों स्कूटर्स में। आपको मेन स्टैंड देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड दोनों स्कूटर में आपको देखने को मिल जाते हैं। TVS Ntorq में आपको रेस एडिशन हमारे सामने खड़े है, जो कि आपको सामने जो इसकी स्टिकरिंग होती है वो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। रेस SP 125 की स्टिकरिंग आपको देखने को मिल जाती है। जो रियर में बात करते हैं, आपको रेस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है स्टिकर में होने वाली है। अब मेन बात कर लेते इसके एग्जॉस्ट की, जो कि आप चेकआउट कर लो भाई, दोनों का जो एग्जॉस्ट है ना काफी मतलब इसका जो साइलेंसर होने वाला है काफी एंटोर का काफी भारी साइलेंसर दिया हुआ है, और जो इसके बात करते हैं जुपिटर की, इसमें आपको थोड़ा मतलब छोटा चपटा साइलेंसर दिया हुआ है भाई। तो ये एक चीज आप चेकआउट कर लेना, दोनों में आपको किक एंड सेल्फ अवेलेबल हो जाता है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। किक भी आपको एंटोर में भी देखने को मिल जाता है, और जुपिटर में भी, दोनों में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बैक रेस्ट आपको जुपिटर में देखने को मिल जाता है, बट जो बैक रेस्ट होता है वो आपको एंटोर में देखने को नहीं मिलता। रियर का पोर्शन आप चेकआउट कर सकते हो, हजार्ड का ऑप्शन आपको एंटोर्क में देखने को मिल जाता है, बट जुपिटर में आपको हजार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप चेकआउट कर सकते हो रियर का ऑप्शन, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। जो और अलॉय व्हील जो शेप होने वाली है दोनों की, वो काफी आपको डिफरेंट एंड काफी अच्छी, काफी बेस्ट अलॉय व्हील शेप आपको देखने को मिलती है। डायमंड कट में आपको एंटोर्क में भी देखने को मिलती है, और जुपिटर में भी आपको डायमंड कट अलॉय व्हील होने वाली है वो देखने को मिलती है।
तो भाई मेन चीज जो इनका जो माइलेज होने वाला है ना, फ्यूल कैपेसिटी और माइलेज भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। दोनों स्कूटर में आपको सेम माइलेज जो फ्यूल कैपेसिटी होती है 5 से 5.5 लीटर के आसपास दोनों स्कूटर में आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं इनके माइलेज की, जो कि आपको करीबन 45 से 50 का एवरेज आपको दोनों स्कूटर से निकाल के दे देते हैं, तो काफी अच्छा ऑप्शन है। 45 से 50 का इनका जो माइलेज होने वाला है भाई काफी शानदार है। तो भाई अब मेन बात कर लेते हैं इनकी जो प्राइसिंग होने वाली है ना, काफी शानदार प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाती है, जो कि जयपुर चौमू में होने वाली है। शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में एड ऑन कर दूंगा, आप एक बार नजदीकी से बिलोंग करते हो तो चेकआउट कर लेना। भाई जुपिटर 125 के आपको 98,000 के आसपास जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहीं पे बात करते हैं टीवीएस एंटोर के 125 की, जो कि आपको 99,000 के आसपास स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। और एक चीज और, मैं आपको ओनली एक्स शोरूम प्राइसिंग ही बता रहा हूं, तो आप ऑन रोड प्राइसिंग अगर आपको जाननी है तो आप अपने नजदीकी जो टीवीएस का शोरूम है उसमें विजिट कर लेना। तो ये हो गया भाई दोनों स्कूटर का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। और भाई अगर आपके पास टीवीएस के कोई सा भी स्कूटर है तो भाई कमेंट में जरूर आप जो अपना मेन जो आपका कमेंट होता है वो छोड़ देना भाई। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।